भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कभी कोई बड़ी ऐसी स्कीम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से उसको जोड़ के कहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की जब योजना लेके आए तब भी ये कहा कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा काले धन के साथ। जब विशेष दर्जे का राज्य का अधिनियम हटाने का कार्य हुआ और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बाइफरकेशन करने की बात आई तब भी कहा कहीं आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन धरातल पे जो स्थिति आज उभर के दोबारा से आ रही है और सबसे पहले ही जम्मू जम्मू क्षेत्र में तो पहली बार ऐसा ही परिस्थिति बनी जब टेररिज्म की समस्या से वैली में तो कई तरह के गंभीर फेज भी हमने देखे लेकिन जम्मू में शांति रही। तो ये जम्मू की तरफ ध्यान जो केंद्रित हुआ है ये पहली मर्तबा आया है। सरकार इसका संज्ञान ले और देश के समक्ष अपनी जो है देश को भी विश्वास में ले कि इस पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेश नीति पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने देखा होगा कि मालदीव्स और नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क भी आज भारतवर्ष को आंख दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो बेरोजगारी आर्थिक दिवालियापन और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ ऐसा मुल्क है जो फेल स्टेट के नजदीक पहुंच चुका है उसमें भी इतना दुस्साहस आ रहा है कि वो आज दोबारा से इस प्रकार की लगातार सबको पता है कि शय कहाँ से मिल रही है। तो पाकिस्तान के को भी जवाब देने का समय ये उपयुक्त है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए। जिन विषयों पर हमने ध्यान आकर्षित किया है उन विषयों पर सरकार उनको गंभीरता से ले। हम पूर्णतः हर रूप से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम सदा तत्पर हैं।